अस्सलाम वालेकुम जी, मैं महमूद अहमद हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस मकसद के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो एक ऐसा सवाल जो हम सब के जहनों में होता है, वो ये कि फल और सब्ज़ी के अंदर कीड़ा कैसे पैदा हो जाता है या कीड़ा कैसे चला जाता है, जबकि फल के बाहर या सब्ज़ी के बाहर कुछ सुराख भी नज़र नहीं आता हमें। तो जवाब हाजिर है जी, नीचे दी गई तस्वीर में आपको एक कीड़ा नज़र आ रहा है जिसे फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। इसके वजूद के एंड पे एक सुई नुमा चीज़ होती है, ये सुई नुमा हिस्सा होता है जिसे ये फल या सब्ज़ी के अंदर दाखिल करके बारीक अंडे देती है सैकड़ों की तादाद में, जिससे 24 से 30 घंटे के अंदर, टाइम नोट कीजिएगा ये कि 24 से 30 घंटे के अंदर बारीक कीड़ों की शक्ल में बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे फल को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं और ये लगातार 5 से 7 दिन खाते हैं उसे। 5 से 7 दिन खाने के दौरान फल ज़मीन पे गिर जाता है और ये बच्चे ज़मीन में मट्टी में चले जाते हैं। मट्टी में जाने के बाद ये प्यूपा की जो है शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और मौसम के मुताबिक कुछ दिनों में इनसे दोबारा बालक जो है वो कीड़े पैदा हो जाते हैं और दोबारा से फिर वो उसी तरह अंडे देना शुरू करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये एक कीड़ा है या ये वो आपके सवाल का जवाब है कि फलों में कीड़ा कैसे, सब्जियों में कीड़ा कैसे आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कीड़ा है। अगर हम ज़राअत के हवाले से बात करें, ज़मींदार के नुकसान के हवाले से बात करें या अपने ही फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें तो ये बहुत नुकसानदेह कीड़ा है। ये फलों की क्वालिटी को ख़राब करता है। फ्रूट फ्लाई का जिस फल पे अटैक होता है वो फल क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, वो फल खाने के काबिल नहीं रहता। इवन कि अच्छी क्वालिटी का फ्रूट ना होने की वजह से एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता और अगर एक्सपोर्ट हो भी जाए तो वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे पिछले सालों में आपने सुना होगा जी, फ्रूट फ्लाई की वजह से बैरून ममालिक में हमारे कुछ कंटेनर्स जो हैं वो समंदर बर्द कर दिए गए, तो उसकी यही वजह थी। ये एक ख़तरनाक कीड़ा है। दो चीज़ें रह गई हैं जी, एक जो हर मेरा और आपका सवाल होता है वो ये है कि जी उस फल को खाया जा सकता है। खाया जा सकता है, पहली बात तो खाएं ना। अगर फल ऊपर दरख्त पे लगा हुआ है तो वहाँ से तो आप ठीक है जी खा सकते हैं, वो हिस्सा निकाल के या किसी भी तरह उसको खा लें तो कीड़ा हो इतना मुज़र नहीं है। लेकिन अगर फल ज़मीन पे गिर गया तो ज़मीन पे खिरा हुआ फल कतन भी खाने के काबिल नहीं होता। तो ये मेरी गुजारिश है कि ज़मीन पे गिरे हुए फल को खाने से गुरेज करें। दूसरा सवाल, इसका हल, अब एक मसला जो है उसका हल भी है। उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जहर पाशी हमेशा फल या सब्ज़ी को नुकसान देती है। सब्ज़ी क्योंकि एक दो दिन छोड़ के दोबारा से उसकी हार्वेस्टिंग करना होती है और उसे मंडियों में पहुँचाना होता है और वो फ्रेश ही पहुंचती है। फलों का भी यही सिलसिला है कि जब वो तैयार हो जाते हैं और हमला भी पीक टाइम जब तैयार होती है फसल, तब ही इसका हमला ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से बेहतरीन बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो है कि किसी बोतल में सुराख करके रुई के साथ रुई रख के उस पे 2 से 3 कतरे मिथाइल यूजिनाइल, याद रखिएगा मिथाइल यूजिनाइल के 2 से 3 कतरे डाल के उस बोतल में रख दिया जाए ताकि फ्रूट फ्लाई उस बोतल में आती जाए उसकी खुशबू से, मिथाइल यूजिनाइल की, और वहाँ पे मरती रहे और उस फल को या उस खेत में लगी हुई फसल जो चाहे वो सब्ज़ी है या फल है उसे वो नुकसान ना पहुँचा सके और हमें एक अच्छा फल या सब्ज़ी खाने को मिले। जज़ाकअल्लाह जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। फिर माने।